बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने वो पकाना है, गोश्त पकाना है। मेरे पास आधा किलो गोश्त है, इसी के बीच में मैंने टमाटर भी डाल दिए, इसी के बीच में मैंने प्याज डाल दिए और इसमें कोई मिर्च मसाले मैंने नहीं डाली। एक गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए और अभी मैंने ना ये पानी इसमें खुश करना है, इसको मैं बंद करूँगी। थोड़ा सा ये मेरे पास है तो ये मैंने पकाना है, ठीक है। और ये मेरे पास ना ये मटर की सालन पड़ा हुआ था, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना और आप लोग भी रिज़क को ज़ाया ना किया करो। इसको बीच में मैंने डालना है, ठीक है। और ये क्या नाम है, जब जैसे मैं पकाऊंगी साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैंने लहसुन छीलना है, लहसुन और अदरक और कच्ची हल्दी, वो भी जब मैं डालूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने डालूँगी। इसमें मैंने अभी एक मोटी इलायची डाल दी है और एक टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिए हैं दालचीनी और थोड़ा सा मैंने लौंग डाल दिए, मोटी इलायची एक डाल दी है, ठीक है। और ये मेरे पास ना ये अदरक है, ये मैंने डाल दी एक चम्मच अदरक थी। और ये लहसुन है, ये भी डाल दिए। और ये कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी लोग कहते हैं, किसी को अगर नहीं पता कहते हैं ये कच्ची हल्दी कैसे होती हैं, ठीक है। ये सब्ज़ी के दुकान से मिलती हैं लेकिन ये है कि हर दुकान से नहीं मिलते हैं, ठीक है। मार्केट में जो बड़ी दुकानों में मिल जाती हैं ये कच्ची हल्दी, ये बिल्कुल अदरक के जैसे होती हैं। इसको डालो तो सालन बहुत जैके में, कड़ी में, स्पेशल कड़ी में बहुत इसका मज़ा होता है। और ये लाजमी इस्तेमाल किया करो, अच्छी होती हैं। जिसके जोड़ों में भी दर्द होते हैं उसके लिए भी अच्छी हैं। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये देखो एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं मिक्स मसाला। और नमक जो है वो अजबे जैका आप लोगों ने डालना है, जितना आप लोग इस्तेमाल करोगे उतना ही डाल दो, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डालना है अभी ये सब्ज़ धनिया और थोड़ा धनिया मैंने फिर इसके ऊपर गार्निश करना है, ये मैंने डाल दिए। और घी मैंने इसमें एक चम्मच डाली है। और ये जो साबुत मिर्चें हैं ना, ये मैं तोड़ के नहीं डालूँगी, ये मैंने ऐसे ही इसके बीच में डालनी है। और उधर भी मैं आलू पका रही हूँ, इधर आलू पका रही हूँ, इसलिए कि ये गोश्त जो है ना वो हमारे छोटे बच्चे मोटा गोश्त नहीं खाते। ये मैंने थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। मैंने कहा चलो वीडियो में भी डाल देती हूँ। तो ये मैं करूँगी अभी बंद, इसमें ये जो पानी खुश्क हो जाए फिर आप लोगों से मैं इंशाल्लाह मिलूँगी। ये देखो मेरा जो सालन है ना, ये अभी बिल्कुल कितने जल्दी तैयार हो गया। ये देखो इसमें मैंने ना ग्राइंडर इस्तेमाल किए, उसके लिए ना मैंने ये जो प्याज है ये भी मैंने चॉप नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस उसी के बीच में मैंने डाल दिए टमाटर, उसी के बीच में मैंने डाल दिए प्याज मसाले और मिक्स मसाला भी अभी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिए, इसलिए कि ये गोश्त थोड़ा है। और मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास ये मटरों वाला ये सालन पड़ा हुआ है ना, ये भी बीच में मैं डाल रही हूँ। ये देखो तो मैंने डाल दिए ना, तो ये बिल्कुल वो कल हमने मटर आलू पकाए और ये मटर पड़े थे ना, तो मैंने कहा ये ज़ाया हो जाएंगी, चलो ये मैं इसके बीच में डाल दूँ। अभी इसकी ये जो नमी है ना, ये भी मैंने खुश करना है बिल्कुल, ये इसको एक जान करना है ना, यो इसमें ना ये फ्राई हो जाए, फिर मैंने इसको बंद करना है।